हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी 9 बज रहा है और बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड का छुट्टी है। तो आज है सैटरडे, सुबह से चाय ना पानी सब कुछ हुआ है, लेकिन मॉर्निंग ड्रिंक जो है मेन वाला वो अभी बाकी है। तो चलिए आज लेते हैं। अभी वो मेरा वेली फैट कटर वाला ड्रिंक चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का फैट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और बहुत ही अच्छे से जा रहा होगा। एक एक दिन एकदम खुशहाल जा रहा होगा और बिल्कुल टेंशन लेकर नहीं करना है, एकदम खुश रहना है, खुश रह कर करना है। तो चलिए अभी मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं। नाश्ता भी बनाना है क्योंकि सब्जी भी नहीं बनाई हूँ अभी, और ड्यूटी जाना रहता है तो मतलब सब कुछ बन जाता है अब तक, लेकिन घर पे हैं तो इधर उधर टाइम गुजर गया बैठने उठने में, चाय पीने में। तो चलिए अब फटाफट से सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और सबका नाश्ता होगा। तो चले फ्रेंड्स, कर लेते हैं योगा। पानी पिए 10 मिनट हो गया है। और एक कमेंट आया था ना कोलेस्ट्रॉल के लिए योगा बताने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको कोलेस्ट्रॉल योगा का नाम आपको मेंशन करूंगी वीडियो में, तो उसे सर्च करके आप देख सकते हैं। आप उसको सर्च कर लीजिएगा और देख करके और उसको कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी वही करती हूँ। कोई भी योगा एक्सरसाइज करना रहता है ना, तो फ्रेंड्स मैं सर्च करती हूँ और उसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ का योगा मैं नहीं बता सकती, करके दिखा सकती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा प्रॉब्लम है और थोड़ी सी दायरे में रख करके सब कुछ करना पड़ता है, तो प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को आप उम्मीद है कि समझेंगे। और मैं जो नाम मेंशन करूँगी, जो योगा बताऊँगी, वो आप सर्च करके प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना योगा करती हूँ। ये अकुरा हुआ चना है जो 2 दिन में इतना अकुर गया है अच्छे से, किचन में ही धो करके और इसमें बास्केट में रख दी थी, तो बहुत ही अच्छे से अकुर गया है। अब इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में। अगर बाहर रहेगा ना तो इसमें स्मेल आ जाता है और चिपचिपाहट सा हो जाता है, ख़राब होने लगता है। तो फ्रेंड्स, डेली ये अकुरा हुआ चना लेना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। सबको दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है खुद ही खाना है, वेट लॉस करना है तो सबको फ़ायदा करता है। जो नहीं खाना चाहते हैं ना, उनके प्लेट में जब नाश्ता देते हैं तो उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच रख दिया कीजिए, आदत पड़ जाएगी डेली 2 चम्मच खाते खाते। तो अभी बन रहा है नाश्ता में बैंगन की सब्जी, और ये देखिए यहाँ पे बैंगन और टमाटर की चटनी, और यहाँ पे सब्जी, और ये रहा करेला, करेला की भुजिया। तो इतना अभी बनाना है जल्दी जल्दी से, उसके बाद रोटी, तब सबका होगा नाश्ता। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं।
ये बैगन की चटनी और रोटी हस्बैंड की। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा नाश्ता, ये सेब है आधा और अनार है आधा और ये 2 पिन खजूर। तो ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। अब आराम से बैठ करके खाते हैं। और अभी हो रहा है फ्रेंड्स टाइम 11, तो 11 बज रहा है। सभी लोग नाश्ता कर लिए। मेरा नंबर सबको देख कर इसलिए इत्मीनान से बैठती हूँ ना कि आराम से चबा कर खाना रहता है, तो हड़बड़ी में तो हो नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद चली आई थी छत पे कपड़ा उठाने के लिए, क्योंकि मौसम का जो इरादा था ना वो नेक नहीं लग रहा था। तो कब बारिश हो जाएगी, कब बरस पड़ेंगे, कोई ठिकाना नहीं था। तो इसलिए अच्छा था कि पहले से उठाकर मैं रख दूँ कपड़ा, नहीं तो जो भी सूखा है सारा भीग जाएगा। अभी खाना सब बन गया है और ये अपने लिए बीट का रोटी, बीट का आटा गूंदा हुआ है। ये इसका अपने लिए यहाँ रोटी बना रही हूँ और यहाँ पे सैलेड बना हुआ है। रोटी बना करके और जाऊंगी नहाने, तो फिर खाना के टाइम में ये सब नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत। नहा करना थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, इतनी गर्मी लग रही थी सारी। तो चलिए खाना का टाइम हो गया है, सबका खाना लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हस्बैंड का खाना, बैगन की सब्जी, दाल, करेला, पेहटा, पापड़, सैलेड। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का थाली खाना। तो सबको खाना दे चुके हैं, सभी लोग खा रहे हैं। अब चलते हैं आराम से, खुद के लिए एक टाइम निकालना पड़ेगा इतना आराम से सबके बाद। जब तक टाइम नहीं निकाल पाएंगे ना, 32 बार वाला फॉर्मूला नहीं हो पाएगा। तो आधे घंटे का टाइम निकालना है, उसके बाद बैठकर आराम से खाना है। तो फ्रेंड्स कल का डिनर मैं इस वीडियो में नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कल बिरयानी दिन में खाई थी तो रात में सिर्फ मैंने दूध लिया था। वो एनर्जी वाला पाउडर जो मैंने बनाया है ना, उसे दूध में घोल करके पी ली थी। और उसके बाद जो एक ग्रीन टी मैं ले ली थी 1 घंटे बाद, और उसके बाद कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है सबका, और आप तो जानते हैं कि इसके बाद मैं करने बैठती हूँ एडिट वीडियो को, ताकि आप लोगों को 7 बजे तक वीडियो मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ कॉफ़ी शेयर करना चाहती हूँ, वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि वेट लॉस और कॉफ़ी फ़ायदा कैसे कर सकता है, तो आप इत्मीनान होकर के मेरी बात सुनिए। उससे होता क्या है, सबसे पहले मैं लेती इसलिए हूँ, इस वक्त 2 दिन से ले रही हूँ, ऐसे तो ग्रीन टी ले रही थी। तो इससे होता है सबसे पहले कि नींद नहीं आती है, और एडिट करने में हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है नींद की, तो आदत है इस टाइम सोने का। और इधर रेगुलर जो डाल रही हूँ वीडियो, तो सो नहीं पा रही हूँ। सोने के टाइम में वीडियो एडिट करने बैठ जा रही हूँ, तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से जो है मैंने कॉफ़ी लेना शुरू कर दिया है। तो कोल्ड कॉफ़ी मैं लेती हूँ, और उससे जो है नींद नहीं आती। ये तो आपको पता होगा कि नींद नहीं आती है कॉफ़ी से। लेकिन फ्रेंड्स और भी उसके बहुत ही फायदे हैं, जैसे कि उससे भूख नहीं लगती है ज़्यादा। किसी भी चीज़ का मतलब क्रेविंग होगी कि
ये खा ले वो खा ले, ऐसा होता है ना थोड़ी थोड़ी देर में, किसी किसी की आदत होती है कि खाते रहने का, तो वो चीज नहीं होगा, एकदम ब्रेक लग जाता है। तो फ्रेंड्स आप कॉफी आराम से ले सकते हैं, उससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब अनहेल्दी होता है या फिर वेट बढ़ने का चांस है उससे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉफी पी सकते हैं और उससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस में बहुत काम आता है, बहुत ही हेल्प करता है वेट लॉस करने में, लेकिन बनाना कैसे है वो आप देख लें। वेट को कम करना है वो एक चीज़ उसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बनाती कैसे हूँ मैं और पी कैसे रही हूँ बनाकर, कि इतना फ़ायदा कर रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ले लेते हैं पानी, इसको करना है बॉयल। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक छोटी चम्मच जो है कॉफ़ी डाल देना है, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है ये दालचीनी, ये एक इंच दालचीनी इसमें डाल दीजिए, मैजिक की तरह काम करेगा, और यही है जो फैट कटर का काम करता है। उसके बाद ये छोटी इलायची डाल देंगे, तो दालचीनी और छोटी इलायची डाल करके ये 2 मिनट उबलने देंगे, उसके बाद फिर थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं ना, कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं तो ये ठंडा हो जाएगा तभी कप में लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जल्दी से मैंने ठंडा किया है पंखे के सामने ऐसे घुमा घुमा कर कि जल्दी ठंडा हो जाए, और बस इसे लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसमें आइस डाल लेते हैं, बर्फ। तो ये 2 क्यूब्स बर्फ है, और ये रहा कॉफ़ी। तो बस कॉफ़ी जो है तैयार है एकदम बढ़िया वाला। तो चलिए आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं कॉफ़ी और नींद को भगाते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी नींद आती है या थकान लगती है ना मुझे, तो ये वाला कॉफ़ी बनाकर पी लेती हूँ, और एक झाग वाला भी बनाती हूँ जो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डेली तो कॉफ़ी पीना ही है इस वक्त, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, और मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, जिन्होंने कर लिया उन फ्रेंड्स को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कि कल। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।